दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आपका 100% नहीं 101% अकाउंट ओपन हो जाएगा। वीडियो को आप कहीं पे भी स्किप नहीं करना है और बने रहना है वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप महोलिया। वीडियो पूरा देखने के बाद आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आप देख रहे हो टिप्स के एम। देखिए दोस्तों, आपका अकाउंट लॉक हो चुका है और यहां से हम फिर से करते हैं लॉगिन। अब देखिए हमारा ये अकाउंट है जो लॉक पड़ा हुआ है और इस पे हम टैप करते हैं और इसका पासवर्ड एंटर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हो और यहां पे आपको बोला जाता है योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। तो देखिए, जिस भी दिन आपका अकाउंट लॉक किया जाता है वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। 20 दिसंबर 2021 को इस अकाउंट को लॉक किया गया है तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। और इसके बाद में इसे आपको अनलॉक करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है लर्न मोर का। तो अगर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को फॉलो करते हो तो आप अपना गेट स्टार्टेड का यहाँ पर ऑप्शन ला सकते हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हाउ टू अनलॉक योर अकाउंट। तो आपका आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो, या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आईडी सबमिट करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो, या फिर आप अपनी ईमेल पे कोड सेंड करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको लोगो भी दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बोला भी गया है हाउ टू अनलॉक योर अकाउंट, और यहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए अनलॉक करने के लिए कुछ स्टेप बताए गए हैं, इन्हें आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो आपको सबसे पहले कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप वीडियो स्किप कर देते हो इस वजह से आपको सही नॉलेज नहीं मिल पाती है और बाद में आपके कमेंट देखने को मिलते हैं कि हमारा अकाउंट ओपन नहीं हुआ, हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। तो आपको थोड़ा समय देना है और वीडियो देखना है तो आपका 100% अकाउंट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला जाता है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए एक हमें ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल ऐड कर देनी है। जो भी ईमेल आप यहाँ पे ऐड करोगे उसी ईमेल पे आपको कोड सेंड किया जाएगा और उसी ईमेल से आप अपने इस अकाउंट को भी ओपन कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे जो भी ईमेल ऐड करना है वो सोच समझ के ही करना है, ऐसा कोई भी ईमेल ऐड नहीं करना है जो कि आपके फ़ोन में पहले से एक्टिव ना हो या फिर वो आपका ईमेल बंद पड़ा हो। तो आपको जो ईमेल यहाँ पे ऐड करना है वो एक्टिव ईमेल होना चाहिए, आप उसे अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, या फिर आप अपने फैमिली में किसी का भी ईमेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन वो ईमेल एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस ईमेल को यूज़ ही नहीं करते तो कोड उसमें नहीं जाएगा और आप अपने इस अकाउंट को ओपन भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दो बार ईमेल डालना है, पहले आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फिर से कन्फर्म ईमेल एड्रेस डालना है और फिर से यहाँ पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ यहाँ पे डाल लेता हूँ। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आईडी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप कौन सा डॉक्यूमेंट आईडी सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंटरनेशनल कार्ड हो गया, तो आप इनमें से जो भी आईडी सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आईडी नहीं है तो आप और भी अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी सिलेक्ट कर सकते हो शो मोर पे क्लिक करके। यहाँ पे देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो वो सभी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आईडी आपके पास हो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से जो भी आपके पास हो उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसका आपको फ़ोटो क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, प्राइवेसी के लिए मैं ब्लर रखूँगा। आपको अपना फ़ोटो सही से क्लिक करना है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट आईडी का फ़ोटो क्लिक करते हो उसके बाद में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सबमिट, अगर आपका फ़ोटो सही क्लिक हुआ है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपका फ़ोटो सही से क्लिक नहीं हुआ है, आपको लगता है कि देखने में सही नहीं दिख रहा है जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं, तो आपको यहाँ पे रीटेक फ़ोटो पे क्लिक करके फिर से इस फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा फ़ोटो है वो सही से मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका फ़ोटो सही से क्लिक नहीं होगा तो दोस्तों आपका अकाउंट भी ओपन होने में दिक्कत होगी, हो सकता है कि आपका अकाउंट ओपन ना हो, फिर से आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा फ़ोटो है सही से मैंने क्लिक कर लिया है और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर वेट कीजिएगा और इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जो भी आपने डॉक्यूमेंट आईडी सबमिट किया है वो अपलोड हो चुका है और आपका ये अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो ईमेल आपने ऐड किया है उसी ईमेल पे आपको बताया जाएगा कि ये अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, या जो डॉक्यूमेंट आईडी आपने सबमिट किया है वो सही है या नहीं है। सारा कुछ आपको इसी ईमेल एड्रेस पे देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो अभी आपने ऐड किया था। अब यहाँ पे दोस्तों कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आपको 24 घंटे बाद ही मैसेज देखने को मिलेगा आपके ईमेल पे, हो सकता है आपको एक दो घंटे में ही देखने को मिल जाए, या कई बार होता है कि 24 घंटे बाद ही आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा, जो ईमेल एड्रेस आपने ऐड किया है उसी ईमेल पे आपको बताया जाएगा कि आपका ये अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट आईडी और यहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का आपको पहले ऑप्शन देखने को मिलता है तो डायरेक्ट उन पे कोड सेंड किया जाता है और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन आपके अकाउंट में कोई भी ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर का ऑप्शन ना आने की वजह से इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट आईडी सबमिट कर सकते हो और अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो फिर से मैं एक घंटे बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमारे पास मेल आ चुका है फेसबुक की तरफ से, और यहाँ पे देखिए मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेल आ चुका है फेसबुक की तरफ से, इसे कर लेते हैं ओपन और ये 9:50 पे मेरे पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला जाता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर आईडी, तो आपकी जो आईडी है वो सबमिट हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, आपको अपने इस अकाउंट को अनलॉक करने के लिए आपको एक यहाँ पे अनलॉक लिंक दिया जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ब्राउजर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्राउन ब्राउजर ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए बोला जाता है और आपको यहाँ पे जो ईमेल देखने को मिलता है इसी ईमेल से आप अपने इस अकाउंट को रिकवर कर पाओगे, यानी कि अनलॉक कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है सिक्योर योर लॉगिन डिटेल, तो आपकी जो लॉगिन डिटेल है उसे सिक्योर करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला जाता है इंटर न्यू पासवर्ड, तो आपको एक न्यू पासवर्ड इंटर करना है। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड इंटर करने वाले हो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंटर करना है। अगर आपको पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाया जाता है तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द वीडियो लेके आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया है। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जाता है योर न्यू लॉगिन डिटेल, तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे वो इसी ईमेल से कर पाओगे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे जो ईमेल है इसी से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। तो ये आपकी ईमेल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस अकाउंट के लिए, तो आप इसी ईमेल से अपने इस अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे जब भी आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है और आपके इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको रिव्यू रीसेंट एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे बैक टू फेसबुक पे भी क्लिक कर सकते हो, मैं लेकिन यहाँ पे रिव्यू रीसेंट एक्टिविटी पे क्लिक करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है।
जो भी आपके फेसबुक अकाउंट में एक्टिविटी होती है वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में कुछ छेड़छाड़ हुई है या नहीं, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको बोला जाता है कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अगर आप कोई न्यू ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप न्यू ईमेल एड्रेस ऐड भी कर सकते हो। अगर ये वाला ईमेल आप नहीं रखना चाहते हो तो मैं यही रखना चाहता हूँ, इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे एक कोड सेंड किया जाता है आपकी इसी ईमेल पे, वो कोड यहाँ पे आप इंटर करते हो, उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कोड हमारे पास आ चुका है, मैं कोड इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने कोड एंटर कर दिया है। अगर आपकी ईमेल पे कोड नहीं जाता है तो रीसेंड कन्फर्मेशन कोड पे क्लिक करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हो कोड के लिए। यहाँ पे कोड आ चुका है और कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और मैंने आपको लाइव दिखा दिया है अकाउंट ओपन करके। तो इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट आईडी सबमिट करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर मैं ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।